दो राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाला हिंदुस्तान का एकमात्र अनोखा घर, बेहद दिलचस्प है पूरी कहानी। मोबाइल नेटवर्क को लेकर जहां लोग रहते हैं कंफ्यूज, घर का कमरा एक राज्य में तो आंगन दूसरे में, पता बताने पर भी नहीं पहुंच पाते हैं लोग। दो राज्यों की जमीन पर बना है रहस्यों से भरा घर। 63 साल पुराना मकान, 85 साल की बूढ़ी महिला ने बताया घर का सारा राज। आपने अब तक रहस्यों से भरी कई मंदिरों और कई गुफाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे घर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो दो सीमाओं से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा अनोखा घर जिसका दरवाजा एक राज्य में खुलता है तो कमरा दूसरे राज्य में, आंगन एक राज्य में तो सीढ़ियां दूसरे राज्य में। इस अनोखे घर का पता भी ऐसा है जिसे पता देने पर भी जल्दी कोई नहीं पहुँच पाता है। भूल भुलैया और रहस्यों से भरा ये घर 63 साल पुराना है, जिसमें अब भी 85 साल की बड़ी महिला से लेकर 1 साल का बच्चा मौजूद है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे घर की जो राजस्थान और हरियाणा की सीमा को जोड़ता है। इस घर में रहने वाला दायमा परिवार दो राज्यों के सीमाओं के फासलों को खत्म करता है। ये घर मनमुटाव नहीं बल्कि दिल के रिश्तों से बटा है जो दो अलग अलग राज्यों की जमीन पर स्थित है। इस अनोखे घर के बीचों बीच हरियाणा राजस्थान की सीमा गुजरती है। इस घर में रहने वाले चाचा हरियाणा में रहते हैं जबकि भतीजा राजस्थान में। ये दोनों अपने इलाके के पार्षद रह चुके हैं। राजस्थान के अलवर बाईपास पर बने इस घर का कमरा हरियाणा में है तो आंगन राजस्थान में, एक दरवाजा हरियाणा में खुलता है तो दूसरा राजस्थान में, चूल्हा राजस्थान में है तो खाने वाला हरियाणा में, पानी की टंकी राजस्थान में तो पीने वाला हरियाणा में। वहीं घर के बाहर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा नगर पालिका के पार्षद कृष्ण दायमा और राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी नगर परिषद के पार्षद हवा सिंह के नाम से साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। घर के बारे में जानकारी देते हुए कृष्ण दायमा ने बताया कि उनके पिता चौधरी टेकराम दायमा द्वारा 1960 में इस घर को बनाया गया था। तभी इसकी आधी जमीन हरियाणा में थी तो आधी राजस्थान में, इसलिए घर में दो दरवाजे को रखा गया जो एक हरियाणा में खुलता है जबकि दूसरा राजस्थान में। अब इस घर में उनके दो बेटे रहते हैं जिसमें एक बेटे के सारे सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड राजस्थान के हैं तो वहीं दूसरे भाई के सभी दस्तावेज हरियाणा के हैं। वहीं उन्होंने घर की दिलचस्प कहानी के बारे में बताते हुए कहा कि इस घर का पता बता देने पर भी जल्दी कोई नहीं पहुंच पाता है और अगर पहुंच भी जाता है तो कंफ्यूजन के मारे उसका सर चकरा जाता है। दरअसल कुछ साल पहले घर से उनकी भैंस चोरी हो गई थी। राजस्थान की पुलिस पहुंची तो कहने लगी कि आप हरियाणा पुलिस से शिकायत करिए और हरियाणा की पुलिस राजस्थान से। तब उन्हें कभी राजस्थान पुलिस के पास जाना पड़ा तो कभी हरियाणा पुलिस के पास, जिससे काफी दिक्कतें हुई थी। लेकिन घर के सदस्यों का कहना है कि अब उन्हें रहने की आदत सी हो गई है, अब कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन जब कोई रिश्तेदार या बाहरी व्यक्ति उनसे मिलने आता है तो पता को लेकर फिर से वो परेशान हो जाते हैं। और जब घर में रहने लगते हैं तो मोबाइल के नेटवर्क को लेकर, क्योंकि नेटवर्क कभी हरियाणा का आता है तो कभी राजस्थान का,